subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का द बज़ स्टोरी में स्वागत है. मैं हूँ मेघा और आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की. जी हाँ, आयुर्वेद भारत की ही देन है और ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और हमारे जो पूर्वज थे वो आयुर्वेद के तरीकों को ही अपनाकर इलाज करते थे. लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रगति की ओर बढ़ते गए, आयुर्वेद से हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं छूटता गया. और आज जब कोरोना की ये स्थिति आई है, लोगों की संक्रमण, लोगों की जाने जा रही है, तब जाकर लोग आयुर्वेद की तरफ वापस लौट रहे हैं. तो आज इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दक्ष आयुर्वेद के पीएन पांडे सर. सर, आपका स्वागत है. नमस्कार सर. सबसे पहले आयुर्वेद की क्या महत्वता है हमारे जीवन में, इसके बारे में बताइए. देखिए, आयुर्वेद जैसा कि नाम से ही है, आयु का वेद, ऐसा विज्ञान जहां पर आयु के बारे में पढ़ाया जाए या उसको किया जाए, वो है आयुर्वेद. आयुर्वेद के मूलतः दो सिद्धांत हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस विकार सनम चाय. यानी जो आप स्वस्थ हैं उसको पहले स्वस्थ रखा जाए. पहला उद्देश्य क्या है, आपको बीमार रखना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है स्वस्थ को स्वस्थ रखना. ये बहुत बड़ी बात है जो आयुर्वेद में पहले ही अध्याय में यही पढ़ाया जाता है कि हमको स्वस्थ रहना है. तो स्वस्थ रहने के लिए आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपना हाइजीन, ये सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि उठना कब है, खाना कब है, सोना कब है, नहाना कब है, या सारे काम हमको कब करना है, किस समय क्या खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए. जैसे हम लोग क्या है, जाड़े के समय हम लोग आइसक्रीम रात में खाते हैं, तो ये तो गलत है, है ना. गर्मियों में हम बहुत फास्ट फूड या बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाते हैं, एसिडिटी करता है. तो आयुर्वेद यही बताता है कि आप स्वस्थ रहना है तो कैसे जीवन आपको जीना है. दूसरा, फिर आतुरस विकार प्रसन्नमुचय, अगर आप बीमार हो गए तो बीमार होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या दवा लेनी चाहिए, क्या खाना पीना होना चाहिए. आयुर्वेद का पहली चिकित्सा है लंघन. ठीक, अन्य आप बीमार हुए हैं तो सबसे पहले तो अपना खाना पीना संयम कर लीजिए आप. ठीक है, तो आप स्वस्थ रह लेंगे. कोरोना जब से आया है, आप पिछले साल भी देखी होंगी, जब कोरोना आया था तो सारे टीवी चैनल्स, पेपर क्या सिखा रहे थे, हाथ धोइए, स्वस्थ रहिए, अलग से रहिए, अपना सामान यूज कीजिए, दूसरे का मत यूज कीजिए. तो ये आयुर्वेद आज से 5000 पहले से बोल रहा था कि हाथ धोइए, नहाइए, तब खाना खाइए, जूता बाहर उतारिए, कपड़ा जो बाहर से पहन के आते उसको अलग कर दीजिए, दूसरा कपड़ा पहन के अपने घर में रहिए. तो यही तो कोरोना ने सिखाया, आप इन्फेक्शन बाहर लेके आते हैं, घर में सबको इन्फेक्ट कर देते हैं, कोरोना यही तो किया. आप बाहर घूम के, आप मार्केट से आए, वही कपड़ा पहन के आप खाना खा रहे हैं, आप भी बीमार होंगे और जो आपके साथ में है, बच्चे हैं और भी आपके जो लोग घर वाले हैं, वो भी बीमार होंगे. तो आयुर्वेद एक समग्र जीवन दर्शन है जो कि जन्म से लेके मरने तक का आपको कैसे रहना है, क्या खाना पीना, ये बताता है, ये सीख आयुर्वेद की. तो सर, मेरा वही क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोरोना में लोग अब आयुर्वेद को अपना रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भरोसा जो आयुर्वेद लोगों को दे रहा है कि हाँ, अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो एक अच्छी और स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं. तो अगर किसी को भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी हो, क्योंकि इस कोरोना में इम्यूनिटी को काफी देखा गया है और कितना महत्व है हमारी जिंदगी में, और अगर इम्यूनिटी बढ़ानी हो या कोरोना से ठीक होना हो, तो आयुर्वेद कितना जरूरी है और किस तरह से हम लोग आयुर्वेद का उपयोग करके अपनी बीमारियों से उभर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आप देखे, कोरोना बहुत लोगों को हुआ, बहुत सारे लोग बच गए और बहुत लोग नहीं बचे, या बचे भी तो बहुत मुश्किल से बचे. तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर कुछ लोग क्यों बच गए, कुछ लोग नहीं बच पाए, या कुछ लोग बहुत परेशानी के बाद बचे. अधिकतर लोग वही नहीं बचे जिनको पहले से बीमारियां थी, जैसे डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, किडनी, और आपको कोरोना हो गया तो आप फिर नहीं बच पाए. तो आयुर्वेद आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है. आप भी बचपन से देखी होंगी, अपनी दादी,
माँ नानी इनसे सीखा होगा कि सर्दी खांसी हुआ तो थोड़ा सा अदरक के रस में हनी मिला के ले लिया, दूध में हल्दी मिला के पी लिया, तुलसी के कुछ पत्ते चूस लिया। ये एक जो हमारा किचन है वो एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर समझ लीजिए उसको। जितने भी उसमें चीजें हैं, अजवाइन, मेथी, दालचीनी, हल्दी, लौंग, इलायची, सब ये सारी औषधियां हैं, सबका प्रयोग है, बस जानने वाला होना चाहिए तो आप प्रयोग कर सकते हैं कहां पर क्या करना है। दूसरी दूसरा जो आपको प्रश्न था कि आयुर्वेद कैसे हेल्पफुल है, आयुर्वेद की जो दवाएं हैं जो भी कोरोना में हम लोग यूज किए हैं, गिलोय से लेके तुलसी और भी जो दवाएं हैं, केसर है, जो भी मोरिंगा है, गिलोय घनबट्टी है, ये सारी दवाएं आपके इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं, यानी आपके रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो आपको कोरोना वायरस आपके शरीर में आया और आपका शरीर अगर स्ट्रांग है, उससे फाइट कर सकता है, तो वो आपको अधिक परेशानी नहीं दे पाएगा, वो लड़के खत्म हो जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप उससे फिर ग्रसित हो जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, खांसी ज्यादा आएगी, बुखार रहेगा, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वहां जो ट्रीटमेंट होता है फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि आपका बीमारी जो है वो माइल्ड लेवल से ही खत्म हो जाए या माइल्ड से मॉडरेट होने के बाद आगे नहीं बढ़े। और हम लोगों ने आयुर्वेद पिछले साल भी किया था और इस साल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे गिलोय घनबट्टी है, सुदर्शन घनबट्टी है, लक्ष्मी विलास रस है, दूध में हल्दी मिला के पीना, दूध में मोरिंगा, एक सहजन जानती होंगी, सुंठी बोलते हैं, मिला के पीजिए, बहुत ही अच्छा। और क्या होता है, कोरोना में प्रोटीन डिफिशियंसी होने लगती है शरीर के अंदर, तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, जैसे सोयाबीन, पनीर, मशरूम, ये सब आप खाइए। और अपने खाने पीने के समय को एक स्थाई दीजिए, रूप दीजिए, किस समय पे खाएंगे, समय पर नाश्ता करेंगे, समय पर सोएंगे, और ताजा खाना खाइए। उल्टा पुल्टा लाइफस्टाइल अपना नहीं, जो आप बिगाड़ चुके हैं उसको सुधारिए, तो सुधारेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। आयुर्वेद यही कर रहा है और हम लोग यही कर रहे हैं, इसी के कारण भारत में देखिए दुनिया से कम लोग मरे हैं, हर जगह जितने बड़े बड़े देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, स्पेन वगैरह को देख लीजिए, और वहां से यहाँ पर डेथ रेट कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया, नीम, तुलसी, पुदीना को अपनाया, हल्दी को अपनाया, मोरिंगा को अपनाया, इसकी वजह से हमारे अंदर मरने की जो हमारे देश में जो संख्या थी वो कम होती गई, लोग बीमार हुए लेकिन बचते गए। तो आयुर्वेद यही करता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी जब बढ़ा देता है तो आप क्रिटिकल नहीं होंगे। और बाकी जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो हम लोग भी बचपन से सिखाते आए हैं कि हाथ पैर धोना चाहिए, वही सिखाया जा रहा है, अब एडल्ट होकर लोग सीख रहे हैं, हाथ धो के खाना खाइए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, ऑलवेज जब भी कहीं पर आप हैं तो मास्क जरूर लगाइए, अच्छा मास्क लगाइए, और इस मास्क को भी धोते रहना है, ये नहीं कि आप लगाए और एक ही मास्क को 3 दिन तक आप पहनते चले जा रहे हैं। ये जो इन्फेक्शन हो रहे हैं फिर से फंगल इन्फेक्शन, इसका एक कारण ये भी है कि लोग मास्क का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अपने हाथों को नाक कान मुंह में नहीं ले जाइए, कभी भी आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे अगर आप इसको, इस उंगलियों को आप कान में, नाक में, आंख में नहीं डालेंगे, अपने चेहरे को हाथ गंदे हाथों से नहीं छुएंगे, तो आप कोरोना से इन्फेक्टेड होने का चांसेस काफी कम हो जाता है। तो सर अभी जैसे कि तीसरी लहर की भी बात चल रही है कि ये तीसरी लहर आने वाली है जो कि बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, तो वैसे अगर बोला जाए तो बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उनका वीक होता है, उनका उतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अभी भी ये उम्र के प्रभाव, मतलब अभी भी छोटे होते हैं और उनकी इम्यूनिटी अभी भी बनती रहती है। तो अगर बात करें कि अगर तीसरी लहर आने से पहले हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, तो वो किस तरह से, अगर आयुर्वेद से चाहें तो किस तरह से हो सकता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। तीसरा लहर जो कि सुनने में आ रहा है पूरे दुनिया के मीडिया में, भारत में भी चली रहा है, तीसरी वेव आएगी जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी, लेकिन हम यहाँ पर आपको एश्योर करना चाहते हैं कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है और फॉलो करने की जरूरत है जो हमारा ट्रेडिशन है। बच्चों को सबसे पहले तो सिखाइए हाथ पैर धोना, बच्चे फालतू में इधर उधर बाहर नहीं घूमें, घर के जो बड़े हैं अगर वो बाहर से आते हैं तुरंत बच्चों को गोद में नहीं उठाएं या बच्चों के साथ नहीं बैठे, तो इससे क्या होगा, उनमें डायरेक्टली इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, उनको हाथ पैर मुंह चेहरा नाक ये सब धोने की आदत डलवाएं।
उनके कपड़ों को साफ रखें, उनके जूते चप्पल को साफ रखें, उनके जो ब्रश करते हैं उसको साफ रखें, ठीक है। ये से जब आप करेंगे तो काफी हद तक बच्चे बचे रहेंगे। दूसरा हो गया खाने पीने में। हमारे भारत में इधर पिछले 10 से 15 साल में बच्चों फास्ट फूड खाने की एडिक्शन हो गई है। आप भी देख रहे होंगे समाज में छोटे बच्चे बहुत फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से फालतू की चीजों शरीर के अंदर जाती हैं, लेड से लेके हर चीज, अजीनोमोटो वगैरह शरीर के लिए इम्यूनिटी के लिए अच्छी नहीं होती। देखिए छोटे छोटे बच्चे मोटे हो जा रहे हैं, देखती होंगे आप, 8 साल का बच्चा है, 40 साल का हो गया है, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो गए, साथ में उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जा रही है, उनका कोलेस्ट्रॉल बिल बढ़ जाए क्योंकि खाना पीना गड़बड़ हो गया। तो हम बोलेंगे कि बच्चों को माताएं या जो भी पिता है, जो भी खाना उनको देते हैं, ताजा खाना, भारतीय खाना, दाल चावल रोटी सब्जी और प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां खिलाएं, उनको दूध में हल्दी मिला के जरूर पिलाएं, ये बहुत अच्छा है। या जो लोग सक्षम है वो लोग केसर का यूज करें, एक जायफल होता है, एक मसाला होता है जायफल, उसको घिस करके दूध मिला के दिया जाता है, जो कि सर्दी खांसी बुखार में बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा हनी ले लें, उसमें 4-5 बूंद अदरक का रस मिला करके बच्चों को चटा दें, हरदम ताजा खाना खिलाएं, बच्चों को रखा हुआ खाना कभी मत दें, और कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये सब बिल्कुल कदापि नहीं दें जब तक कि ये लहर निकल नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा बीमार होता है तो अरे बहुत सारी औषधियां हैं, बाल चतुर्भुज रस है, वासावले है, रस पीपरी है, ये सब आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन किया जाता है। काश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन के बारे में बताया गया। स्वर्ण प्राशन एक ऐसी विधि है जिसमें सात और हनी और घी के साथ मिलाकर के महीने में एक दिन दिया जाता है, उससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। और हमने तो पिछले साल भी कराया था और इस साल भी कराया अपने दक्ष आयुर्वेद स्वर्ण प्राशन, और कई ऐसी फैमिलीज है जिनके पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था, बच्चों बच्चा जो स्वर्ण प्राशन का हुआ था उसको कोरोना निगेटिव था ऑलवेज, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बच्चे को ताजा खाना खिलाइए, भारतीय खाना खिलाइए, ताजा ताजा दूध के साथ हल्दी, हनी के साथ में अदरक का रस ये दीजिए, जायफल दीजिए, और बच्चे को स्वच्छता का पाठ पढ़ाइए। बच्चे के मांस को हर 2-3 घंटे बच्चे, क्योंकि बच्चे खांसते हैं छींकते हैं तो इसमें गंदगी आती है, तो हर बच्चे के मांस को 2-3 घंटे में चेंज कर दें, और डायरेक्टली उनका कॉन्टैक्ट जो है बड़े लोगों या बाहरी लोगों से नहीं हो, एकदम ध्यान रखें। और कुछ लोग जो घर में पेट्स रखे हैं, कुत्ता बिल्ली पाले हैं, कोई भी और जानवर पाले हैं, उनसे भी बच्चों को बचा कर रखें, बच्चे डायरेक्टली उनके संपर्क में नहीं आए। अगर आप इतना फॉलो करते हैं, और रात में एकदम एसी का यूज, अभी बच्चों को जिस रूम में बच्चे सोते हैं वहां पर एसी या कूलर का यूज एकदम नहीं करें, क्योंकि मौसम अभी बहुत बदल रहा है, कभी जाड़ा कभी गर्मी कभी बारिश हो रही है, तो इससे बचा के रखना पड़ेगा। तो हम लोगों को बच्चों के लिए बहुत परेशान हो जरूरत नहीं, सिर्फ सावधान हो जाएंगे तो हमारे एक भी बच्चे बीमार नहीं होंगे, बीमार होंगे भी तो घर में ही ठीक हो जाएंगे। जी, तो सर ये तो थी कोरोना की बात, लेकिन अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इसका भी कहर काफी देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आयुर्वेद में कोई इलाज है? जी, पहले तो हम लोग समझते हैं कि फंगस आखिर हो क्यों रहा है। फंगस ऐसा नहीं कि वो नया चीज आ गया है, फंगस तो हरदम ओमनी प्रेजेंट, हरदम से रहा है। आप देखिए होंगे, आप ब्रेड रख दीजिए घर में 2 दिन रख दीजिए, उसमें व्हाइट फंगस आता है ना, ब्लैक फंगस आता है, तो ऐसे ही फंगस क्यों आ रहा है। फंगस का सबसे बड़ा कारण है आपकी इम्यूनिटी। आपका शरीर अगर हेल्दी नहीं है, आपकी स्किन एकदम ड्राई है या मॉइस्ट है, तो आपकी स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, या कहीं से जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको ड्रिप चढ़ाया जाता है तो वहां पर छेद हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ, इन्फेक्शन वहां पर हुआ और वहां पर फंगस आ गया। और कोरोना से क्या हो रहा है कि हमारे नेजल म्यूकोसा, माने नाक की जो अंदर में म्यूकोसा है, मुंह की जो म्यूकोसा है, ये वो इफेक्टेड कर देता है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से ये जो फंगस है जाके नाक में या मुंह में कान में चला जा रहा है, या शरीर में कहीं एब्रेशन है, कुछ चोट लगी है या कुछ छिला हुआ है तो वहां पर आ जा रहा है। तो ये पहला कारण इम्यूनिटी। दूसरा कारण कोरोना की वजह से हमारे शरीर का म्यूकोसा जो क्षतिग्रस्त हो गया, यहां तक कि लंग्स में भी अगर जो इन्फेक्शन होता है कोरोना का, लंग्स में भी होता है, तो
तो वहां की जो अल्वेओलाई और ब्रोंकियोल्स है उसमें भी एब्रेशन माने कटाव होता है, तो वहां पर जाकर के हमारा ये फंगस जो है ब्लैक फंगस घुस जाता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो इसलिए देखिए चेहरे में सूजन हो जाती है, नाक में ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, मुंह में बन जाते हैं। इसका सबसे पहला इसमें फिर बोलूंगा क्लीनलीनेस, सफाई और धूल धक्कड़ से बचना। ओपन थोड़ा सा आपका घर जो रूम हो, एरी हो जिसमें हवा बाहर से आ सके जा सके, तो आप उसे वातावरण रहिए। कहीं पर कला कटा या छिला है तो आप उसको ठीक से साफ रखिए, वहां पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या कुछ भी लगाइए, उससे बचे रहिएगा। और कोरोना में क्या होता है, सीरम फेरेटिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर। सीरम फेरेटिन जो है ये भी हमारे इस फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो और भारत में जो बहुत ज्यादा कई जगह पर यूज हुआ स्टेरॉइड्स का, स्टेरॉइड्स ने क्या किया आपके इम्यूनिटी को डाउन कर दिया, तो इम्यूनिटी जब डाउन हुई तो ये भी एक रीजन हो गया। अनवांटेड आपने एंटीबायोटिक्स का यूज किया जहां जरूरत नहीं थी, लोग खुद से भी खाए, दुकान वाले दिए या डॉक्टर्स ने दिया, मजबूरी भी थी देना, तो ये सब जो एक साथ हुआ तो इसकी वजह से ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस ये सब हमारे शरीर में आता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले सफाई, दूसरा ताजा खाना, दूध में हल्दी मिला के पीना और नाकों और मुंह के हाइजीन को ध्यान देना। आप हर एक दो घंटे पर अपनी नाक को साफ कीजिए, मुंह को साफ कीजिए, रात में जरूर ब्रश कीजिए। और एक मैं छोटा सा बता देता हूं कि मंजन आप बहुत लोग करते आए हैं, आप सब लोग कर सकते हैं, जो ज्यादा नहीं हल्दी और सेंधा नमक और थोड़ा सा स्पटिक बस में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्दी और नमक से ही आप मंजन करके सोएंगे रात में तो आपको मुंह में फंगस नहीं होने देगा, नाक साफ रखेंगे तो नाक में आने नहीं देगा, जहां चोट लगी है कटा हुआ है वहां पर आप साफ रखेंगे तो वहां फंगस आएगा नहीं। तीसरा कारण जो है इम्यूनिटी आपकी कम हो गई है ड्यू टू स्टेरॉइड्स, अनवांटेड स्टेरॉइड्स का यूज, तो उसमें आप दूध में हल्दी मिला के पीजिए, दूध में मोरिंगा पाउडर मिला के पीजिए, अच्छे क्वालिटी के बहुत सारे च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल, उसको आप ले सकते हैं, गिलोय का रस ले सकते हैं, तुलसी का रस ले सकते हैं। और प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए, तो इससे धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी और ब्लैक फंगस आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जैसे गंधक रसायन है, रसमाणिक है, ताल सिंदूर, ये सब दवाएं आप यूज करके इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें भी अगर आपको हो जाता है तो बहुत परेशान होने जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए। जी तो ये थे पीएन पांडे सर दक्ष आयुर्वेद से, और इन्होंने आयुर्वेद की महत्वता समझाई और बताया कि किस तरह आप आयुर्वेद को अपना के अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, और चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे और जो घर में ही आपको ज्यादा कुछ नहीं, घर में ही आपके उपलब्ध होती है हल्दी तुलसी ये सारी चीजें, उनका उपयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साफ सुथरा रहना बहुत ही जरूरी है ये इन्होंने बताया, और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना और समय पे खाना खाना ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है। और हमारी तरफ से भी आपकी यही अपील है कि अभी कोरोना सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे और आपको मदद मिली होगी। आपसे अगली बार फिर होगी मुलाकात, आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए द बज़ स्टोरी। धन्यवाद।